गाइस वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो इस साल के मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि मैं आज उठी हूँ 5:20 से ओनली जस्ट बिकॉज कि हम लोग को मोहल्ले के बच्चे लोग को मतलब जाना था मॉर्निंग वॉक पे कि दीदी चलो चलो। तो मैं बोली चलो यार मैं भी चलती हूँ, वहाँ पे ब्लॉग व्लॉग भी शूट कर लेंगे। तो अभी बाहर आके सब वेट कर रहे हैं, मैं भी रेडी हो ही गई हूँ, तो जल्दी से निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। इधर बाहर साइकिल और साइकिल पर सवार होने वाले बच्चे सब आ गए, बस मेरी बहन का वेट कर रहे हैं हम लोग। इन लोग भी उठ के अपना खेलना कूदना चालू कर दिए। आज सुबह सुबह उठी थी तो इतना ज़्यादा अंधेरा था, अभी तो फिर भी थोड़ा सा उजाला हो गया। हम लोग थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा दौड़ रहे, फिर रुक जा रहे हैं, और हम लोग के चक्कर में बाकी के बच्चे भी रुक जा रहे हैं। मतलब बाकी के बच्चे नहीं, लड़के रुक जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को तो आदत है भाई दौड़ते रहेंगे। अभी सिर्फ 6:30 बजे और हम लोग जा रहे हैं गार्डन, बाकी लोग गार्डन से वापस जा रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा हम लोग इतने लेट हैं कि उन लोग 4 बजे सुबह पहुंच के कर लेते ही होगा। गाइस फाइनली वी आर इन भेलवा तालाब, जहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है मस्त, पीछे पानी एंड उसके साइड में पूरा वॉक करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए जगह बनी हुई है। तो अभी 5 मिनट थोड़ा सा लेते हैं रेस्ट, उसके बाद फिर यहीं के चक्कर काटेंगे। मस्त डक आया है, पानी में कितना मस्त स्विमिंग कर ले रहे हैं। क्वैक क्वैक क्वैक, अरे वाह, अरे रोटी खिला रहे, रोटी डर रहे। मत डर भाई, आ जा। मेरे चोच कितना बड़ा सा है ना। मस्त है, कितना मजा आ रहा है लोगों को देखने में। पहली बार मैं देखी हूँ, पता है इतने सामने से मैं देखी नहीं लोगों को। नहीं रे बाबा, पता है आपने चोच से ही मेरे को क्वैक कर दी। हाँ अब इतने सारे डक आ गए फाइनली इसको देख के, यही ज्यादा अच्छा लगा। मस्त वाइट, उन लोग एक फैमिली के हैं सब, के में डर नहीं है। अंशु उठा ले हाथ से, वो तो वहीं रहेगा पानी में, ये अच्छे डरपोक नहीं है। जाना अंशु उठा ले हाथ में, पहले तू उठा के दिखा फिर मैं दिखाऊंगी। पहले मोहिनी उठाएगी, मोहिनी हाथ में उठा, ये पिल्लू उठाएगा। उठा भाई, उठा ले भाई, उठा उसको भाई, उठा भाई। इसके पहले वो पानी में कूद जाए। वो वाला दछरी ना ब्राउन है वाइट, पकड़ा गया। काटेगा नहीं काट। हाँ उसको प्यार करो। ओले ओ डर के भाग गया, ये लपेटे में आया है, मैं जा रहा हूँ। क्वैक क्वैक, दीदी आप ही पकड़ो, पकड़ दो अंशु, टाइटली पकड़ना। नहीं रे मत दे, छोड़ देगी, मत दे, तू छोड़ना मत। क्वैक क्वैक उड़ गया, ओए क्वैक क्वैक काटना मत भाई। हां भाई तो बोले इतना सॉफ्ट एकदम। साइकिल हम लोग का फाइनल उत्तेजना में, अभी तो एक्सरसाइज करने आए हैं। उठाओ आंटी अपना वेट, उठाओ, तू छोड़ दे पिल्लू, मैं उठा रही अपना, देखते हैं। अरे 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 वासी सीख, देख आंटी उठा रही, तू नहीं उठा पा रही थी। अब हो जाए तो मेरा हो जाएगा। हाँ। ओके दिन में हाथ दुखते ए ए नहीं ए हट खाना और मैं अरे यार अरे रुक जा, और वो उतर जाएंगे। अरे अरे आराम से आंटी, मेरे पैर इतना दीदी भी अपना वेट उठा रही है मस्त, मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, पतली दुबली। हाँ करी, ताकत ही नहीं लग रहा था। और यहाँ पे चल रहा है साइकिल लोगोरी आइड, ये देख लो बस, हीरो बनने बोल दो, कहीं भी रेडी रहता है। भी डंबल कर रही है ये, और डबल कर दिए, इसको कहाँ से उठा पाऊंगी मैं। निलेश उठा लेगा, कैसे वो वेट कर। ये है दीदी की बारी, अब की बार दीदी हमारी। मैं तो ट्राई नहीं करूंगी भाई, मैं तो। ये देखो हम लोग फुलमती बन रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरे भी फूल जुट गए हैं लगाने के लिए। हो गया, तोड़ मत बहन, इतना सुंदर फूल है ये। कहने को अभी 7:30 हो गए हैं पर धूप बिल्कुल नहीं है, मतलब अच्छी बातें नहीं है। मौसम इतना मस्त हुआ ना, एकदम लॉन्ग ड्राइव पे कहीं निकल जाओ, घूम फिर के आ जाओ, एक नंबर मौसम है यार। ऐसा लग रहा है अब बैठ जाऊँ तब बैठ जाऊँ, पैर की हालत पूरी ख़राब हो गई है। कम से कम कितना किलोमीटर होगा, 2 तो होगा क्या,
दो किलोमीटर दो गए दो आए, पूरी हालत खराब हो गई, बट फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। फटाफट मैं कर रही हूँ अभी नाश्ते की तैयारी, और आज नाश्ते में मस्त स्पेशल बन रहा है चटनी और ये ब्रेड और सूजी का चीरा जो कि मुझे बहुत पसंद आता है, एंड ये पूरे बर्तन फैले हुए धोने के लिए। तो जल्दी से पहले बर्तन धो लेती हूँ और मम्मी को पूजा करना है तो घर में पोछा मार लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में बनाऊंगी नाश्ता, तो सब जन गर्मा गर्म खा लेंगे। तो चीला बनने के बाद मुझसे बिल्कुल सब नहीं और था, इसलिए मैं चीला और ये चटनी लेकर बैठ गई, टूटे टूटे वाले चीला जो निकले थे वही ले ली हूँ, क्योंकि यार खाने से मतलब है, पेट में तो वैसे भी तोड़ के ही डालना है। मतलब है गर्मी का मौसम पर हो रहा है बारिश, बताओ लग रहा है देख के कि गर्मी का मौसम चालू हो गया है। यहाँ पे पूरा बाहर अभी छोटे छोटे बूंद आना चालू हो गए हैं, अगर बारिश नहीं होता ना तो फिर घूमने लायक एक नंबर मौसम था। ये देखो पानी चालू हो गया है, पानी की बूंदे पड़ रही है, अब देखो कब तक होता है। नाश्ता करने के बाद बहुत नींद आती है, स्पेशली जब जब आपके घर में लाइट गोल हो, टीवी में देखने के लिए कुछ नहीं आ रहा और फ़ोन में चार्ज भी नहीं हो चलाने के लिए, तो मेरे को भी बहुत नींद आ रहा है क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गई थी मैं, तो बस जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। 2 hours later पहले से आदत नहीं है ना सोने का, तो आजकल दोपहर को सोना तो मतलब थोड़ा अजीब सा ही लगता है, ऐसा लगता है ना कि दूसरा दिन हो गया, मतलब सुबह हो गई, हम लोग सुबह उठ रहे हैं, तो कभी वैसे ही लग रहा है, बट नहीं अभी बाकी का पूरा आधा दिन बचा है। अंशु तेरे को एक बात बताऊँ, फिर से बताऊंगी, आज मैं ना ही नहीं हूँ, कभी कभी ना ना आके भी देखो बहुत मजा आता है, आज मेरे को आलस इतना आ रहा था कि आज मैं नहाई ही नहीं, कल नहा लूंगी, उसमें क्या रोज पानी आना ही है घर में। स्कूल में ऐसे ही करती थी मैं, दो दो तीन तीन दिन तक नहीं नहाती थी मैं, बहुत सेव वाटर करती हूँ भाई, कोई और करे या ना करे। मौसम इतना ठंडा है ना कि पानी छूने का भी मन नहीं कर रहा, फिर भी अभी हाथ पैर धो के मस्त तैयार होके आ गई छत पे। यहाँ पे ये दो भूतनियाँ पहले से ही मंडरा रही है, बारिश में मस्त ये पौधे सुंदर सुंदर हरे भरे हो जाते हैं, स्पेशली इसमें तो अभी मस्त पिंक पिंक फूल खिला है तो ये और सुंदर दिख रहा है, एंड गुलाब वाले तो पूरे झड़ गए, अभी आज खिले नहीं है ज़्यादा। आज सुबह हम लोग गए थे मॉर्निंग वॉक पे, वहाँ से हम लोग लेके आए थे एक ठो फूल का मतलब डंडल था, डाड़ी था, तो हम लोग बोले मम्मी को लगा दो, अभी तक मम्मी लगाई नहीं है, अभी मैं पूरा गमला ये सब साफ की हूँ और अब जा रही हूँ मैं वो फूल लगाने के लिए, ऐसी ही करती है मम्मी, और फिर बोलती है कि फूल खिल क्यों नहीं रहा, पूरा सूख गया, बेकार लेके आए तुम लोग। तो ये पौधा लगाना हो गया मेरा डन। उतर मत नहीं नहीं उतरना, ये ना मेरे को लग रहा है पुराने जमाने वाला पिक्चर देखा है, ये मुर्गा बीवी है और वो उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है, बोल रहा है सुसाइड कर बे रोज तू एक ही सब्जी खिलाती है मेरे को। नहीं नहीं अच्छा ये नीचे है क्या? अच्छा ये मुर्गी है, ऊपर वाली मुर्गी है, अरे उसपे भी है, ऊपर वाली मुर्गी है कि नीचे वाली मुर्गी है? ऊपर वाली मुर्गी है, नीचे वाला मुर्गा है, एक पेड़ पे भी है और शायद पेड़ पे भी छुपी है, पेड़ पे मुर्गी छुपी है। ये कौन सा पिक्चर देख के इसको रस्सी पे चलने का शौक हो गया भाई मुर्गे को? वाइफ है उसकी और एक गर्लफ्रेंड है। ओह माय गॉड, अभी इतने देर छत पे बैठने के बाद ना पूरा बॉडी ठंडा हो गया है, एंड मेरे को इस ठंडी में सिर्फ एक ही चीज का मन हो रहा है, एक ही चीज का क्रेज हो रहा है कि गर्मा गर्म मैगी बना के खाऊं, तो बट मेरे को कोई होप तो नहीं लग रहा कि मम्मी बनाने देगी, बट जाके एक बार पूछती हूँ, लेट्स ट्राई। माँ नहीं है पर माँ जैसी बहन दी है भगवान ने, जो बोल रही जा दीदी बना के खा ले, तो जल्दी बनाती हूँ और यार छत पे बैठ के खाऊंगी मस्त गमलों के सामने और भी ठंडी ठंडी हवा में, इसके पता अंधेरा हो गया, जल्दी बनाती हूँ मैं। हे गाइस, क्या आपने कभी जन्नत देखा है? मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखो, ओ माय गॉड क्या धुआं निकल रहा है, एंड दैट्स द व्यू, मज़ा आ गया मज़ा, है मस्त गर्मा गर्म, है पानी आ गया मुँह में। आज सुबह से ही मौसम इतना ठंडा है ना कि पापा का मस्त मन हुआ कि यार आज गोईठा वाला लिट्टी खाएंगे, मतलब जो आग पे सकते हैं वो वाला, तो बस उसी के लिए मैं जा रही हूँ अभी आटा सानने के लिए, और इसी बहाने हम लोग को थोड़ा आग सेकने भी मिल जाएगा, क्योंकि सच में बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है, लग नहीं रहा कि गर्मी का मौसम आ गया है, ऐसा लग रहा है वापस ठंडी चालू हो गई है। अभी यहाँ आधी भर गई है लिट्टी, उसको मैं लेकर आ गई हूँ छत पे, क्योंकि अभी गोईठा सुंघाना है, बाकी का लिट्टी मम्मी और अंशु भर रहे हैं, एंड गोईठा सुंघाने के लिए सारा सामान भी ला ली हूँ मैं ऊपर, ये चिमटा विमटा पकड़ने के लिए। तो ये इसमें है गोबर लड्डू आग जलाने के लिए, एंड इस पे हम जलाएंगे ताकि इसी पे पूरा लिट्टी सेक सकें। हवा इतनी तेज चल रही है कि आग ये इतना ज़्यादा लहर फेंक रहा है पूरा, और ये है कि आग तापने में मज़ा बहुत आ जा रहा है, ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही इसके सामने बैठी हूँ तो। ये होता है गोड़ना,
जब पूरा लिट्टी पक जाता है तो बची हुई आग में फिर उसको पूरा डाल देते हैं और ऊपर से पूरा आग से उसको ढक देते हैं तो वो गुड़ आ जाता है। फाइनली 10 बज गए हैं, बनाते बनाते आज काफ़ी लेट हो गया, बट कोई नहीं यार, ये इसको देख के वर्थ इट है ये पूरा। तो जल्दी से, अब तो सबर नहीं हो रहा, जल्दी से जाती हूँ और खाती हूँ ये मस्त टेस्टी टेस्टी लिट्टी चोखा, हमारे बिहार का स्पेशल। तो बाल में तेल वेल लगा के और बाकी का सारा बचा हुआ काम करने के बाद अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गया आज एक्सरसाइज करके सुबह। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।